न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में रावलपिंडी के मकाम पर मोहम्मद रिजवान ने दुनिया के तमाम बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। टी20 की तारीख में मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली और साथ में बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया है और मोहम्मद रिजवान ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मोहम्मद रिजवान का क्या रिकॉर्ड है और भारतीय मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर छोड़ दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से अपडेट वक्त पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, दूसरा टी20 मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान रावलपिंडी के मकाम पर खेला गया और पाकिस्तान की टीम ने यह मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोर रहे जिन्होंने 45 रन स्कोर किए और इसी के साथ मोहम्मद रिजवान टी20 के इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन भी मुकम्मल कर चुके हैं और आज मोहम्मद रिजवान ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि बाबर आजम और विराट कोहली ने 81 इनिंग में 3000 रन टी20 क्रिकेट में मुकम्मल किए थे, लेकिन आज मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ और सिर्फ 79 इनिंग का सहारा लेकर टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में 3000 रन सबसे ज़्यादा तेज से मुकम्मल कर लिए हैं, जिस पर भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। उनका कहना है कि ये मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान टीम का विकेटकीपर बल्लेबाज है, ये आने वाले वक्तों में बाबर आजम और साथ में विराट कोहली को टी20 क्रिकेट में पीछे छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।